नमस्कार दोस्तों, विवेक की डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च डिवाइस M02S और दूसरा है यहाँ पर रेडमी का 9i। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की। तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पर दोनों फोन के अबाउट फोन सेक्शन में। बात करें UI की तो वन UI का वर्जन 2.5 है यहाँ पर M02S में, वहीं 9i में आपको मिलता है MIUI 12 जो कि अभी इसका भी लेटेस्ट ही है एक तरह से। और बात करें यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के OS की तो दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड 10 आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करें दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर की, M02S में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 14 नैनोमीटर पर ये वर्क करता है। इसकी 8 कोर 1.8 GHz Cortex A53 की हैं। एडिनो 506 आपको यहाँ पर GPU दिया गया है और रैम 3GB है। 4GB वेरियंट भी आता है लेकिन ये मेरे पास अभी 3GB वेरियंट है। बात करें 9i की तो यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो का G25 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, ये 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसकी 4 कोर है 2GHz Cortex A53 की और 4 कोर है 1.5GHz Cortex A53 की। पावर VRGE8320 आपको मिलता है यहाँ पर GPU और रैम यहाँ पर 4GB की है। 9i 4GB रैम में ही आता है, 3GB रैम में नहीं आता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर स्पीड टेस्ट में कौन सा फ़ोन कितना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता है। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड रखे हैं दोनों ही फ़ोन में ये कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। और उससे पहले आपको दिखा दूँ दोनों ही फ़ोन की रैम, आप देख सकते हैं क्लियर है, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन से और फिर देखते हैं परफॉर्मेंस। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे ये 8 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में और आपने देखा यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेडमी 9i ही फास्ट है M02S से। हालांकि स्पीड टेस्ट में यहाँ पर आपने भी देखा होगा कोई खास डिफरेंस नहीं था, बहुत हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की स्पीड में। बाकी देख लेते हैं रैम मैनेजमेंट, M02S 3GB रैम के साथ है और MI9i 4GB। और फर्स्ट एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है और नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा स्ट्रीट रेसिंग, ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर मॉडर्न सिटी और दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये भी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन CPU Z और चेक कर लेते हैं CPU Z को भी,
तो ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है हिल क्लिम। नेक्स्ट एप्लीकेशन और चेक कर लेते हैं हिल क्लिम को, तो यहाँ पर ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। रेडमी 9i थोड़ा सा लैग हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉप शूटर और चेक कर लेते हैं पॉप शूटर को, और आप देख पा रहे होंगे रेडमी 9i थोड़ा सा लैग हो रहा है यहाँ पर रैम मैनेजमेंट में भी। और ये बबल स्टोरी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन क्रेजी यूजर। तो रैम मैनेजमेंट के मामले में यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में नहीं है। M02S में 3 GB रैम है, फिर भी उसके बैकग्राउंड पर 8 एप्लीकेशन है, और रेडमी 9i में 4 GB रैम है, तो वहाँ पर तो होने लाजमी है। तो स्पीड टेस्ट में आज की स्पीड टेस्ट का विनर रेडमी 9i है, क्योंकि स्पीड में वो थोड़ा सा फास्ट था M02S से। तो ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी M02S और रेडमी 9i के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।